स्वागत है। आज जो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है, टाइटल है इंडियन पॉलिटिशियंस एंड बिजनेसमैन इन अंबानी वेडिंग। तो चलिए देखते हैं वीडियो से पहले। इस वीडियो चैनल का रिजल्ट लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किए, लाइक शेयर को फॉलो करें चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किए, लाइक शेयर को फॉलो करें। साउथ कोरिया रिचेस्ट पर्सन। अमीरों की शादी में मुकेश अंबानी का डर। अंबानी मेरी माँ प्यारी माँ। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। वाओ बन गया वे, बन गया सांडा बहादुरदार। घोड़ी चढ़ गया वे, चढ़ गया छड़के मोटर कार। सहरा सज गया वे, ओ सहरा सज गया जलवे धार। दुनिया द्वार खड़ी, सजन संग जाने को तैयार। असीम शान शहंशाह फरमारवा, असीम शान शहंशाह फरमारवा, हमेशा हमेशा सलमान। पीछे सोनू जी हैं, साथ में शिया जी के। नाक का कुछ है ना। हाँ मैंने नाक खींच ली। हाँ ये मैंने पहली दफा देखी है, ये मैंने रील में देखा था। बहुत अच्छा। पीछे दिए देख रहे हैं तो कितने अच्छे इफेक्ट दिए हमें, ऐसे जो बाकी जल रहे हैं। बैठे हुए हैं ये ऊपर ऊपर कैसे घूम रहा होगा, ये ऊपर शीट लगी होगी क्या, कैसे। हाँ शीट लगी हो, देखें शीट जा रही है ऊपर है ना। ये देखें ये, हाँ मेरा पर्दा था कोई। लाइव होगा ना। वैसे अंदर से हॉल कितने बड़े हैं। या ओम नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तनिष्का लाइव जो ही जाती है यार बहुत दरवाजे निकल गया क्लासिकल म्यूजिक जुगलबंदी बाय मास्टर निलदारी कुमार वाओ वाकई आज मैं बंद कर सुनने वाला हूँ लगी व्यवस्था एटम वन फैमिली
मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी। अच्छा ये फूड कोर्ट है। हाँ आए किचन से आवाज है ना। क्या लिखा हुआ क्या डिफरेंट डिफरेंट लगा चौधरी वरना रसम साजन साजन ये स्पाइडर कैमरा है ना जो अक्सर आपको वहां पे क्रिकेट मैच में भी देखने को मिलता है। हाँ शादी का जी के सरिया बाल मावोनी पधारो मारे देश रे पधारो मारे वेलकम कर रहे ना। हाँ रौनक सेवा समान लग रहा है ना ये। हाँ सुना हुआ कुछ ना ट्यून मिलती जुलती किसी गाने से उन्हें शायद अपना फिर टाइम जो है वो याद आ गया हो। फ्लावर्स है क्या वो? ये फूल का जो मिनिएचर कहेंगे इसे क्या कहेंगे ये जो फूल का बनाया हुआ है मेरे डॉग बनाया हुआ है। मुक्का
डिफरेंट सूट अच्छा है, सूट अच्छा है, नहीं अच्छा उस लाई स्टिचिंग अच्छी हुई है उनके बॉडी के हिसाब से। मेरे गोल्ड के वो लगे थे ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, हाँ प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, शरद पवार, उदय ठाकरे, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सलमान खुर्शी, यूनियन मिनिस्टर कपिल, कपिल आगे में पढ़ा गया, अभिषेक, सीनियर कौन, सचिन, शिव कुमार, रजनी कपिला, बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट, हाँ सात फोन थे। ये तो प्राइम मिनिस्टर जो रह चुके हैं, मॉरिस सुचेता, भी थोड़ा भी है अच्छा मैं बता क्या एकदम पड़ा नाक की चूड़ी भाई अंबानी ने ना एक चीज क्लियर कर दी है कि भाई ऐसी लेविश जो शादी है ना वो आपको जो है ना फेरी टेल्स मूवी में नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी जो है वो देखने को जो है वो मिल सकती हैं, वरना मोस्टली हम फेरी टेल्स मूवी में देख रहे थे बैकग्राउंड पे सिंगर्स खड़े होते हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, विदाई हो रही है, शादी हो रही है, ये हकीकत भी उन्होंने दिखा दी है। मैं ये बात सोच रही हूँ इतने सारे लोगों को मैनेज करना अपने आप ही बहुत बड़ी बात है, बट मैंने एक चीज देखी है कि हम लोगों ने ना डिफरेंट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स पर देखा है, है ना, मतलब बहुत कम लोग हैं जो कि हम लोगों ने मतलब हर इवेंट पर देखे हैं, बट अभी आज के मैं बोलूँगी कि इवेंट में मतलब हम लोगों ने जो वीडियोस देखी हैं उसमें भी जो लाइम लाइट मैं बोलूँगी, आई मीन आपको हर पार्टी के बड़े लीडर्स जो हैं वो नज़र आ रहे थे। मैं कहती हूँ सीरियसली ये बहुत बड़ी बात होती है सबको इकट्ठा करना
फिर उसके बाद नो डाउट वो एक बिजनेसमैन है, सबके साथ टर्म्स होते हैं फिर, लेकिन ये कि ये बड़ा रेयर केस होता है कि आप हर पार्टी के जो बड़े बड़े चेहरे हैं ना उनके साथ आप यू नो उनको इनवाइट करो और वो सब एक मंच में आपको नजर आए। भाई कहते हैं कि ओपोजिशन को और जो है ना रूलिंग गवर्नमेंट को एक ही बेंच पे लाना बड़ा मुश्किल होता है और वो उन्होंने पॉसिबल जो है वो कर दिखाया है। भाई मैं कहता हूँ कोई दुनिया जहाँ का बंदा उन्होंने छोड़ा ही नहीं, रख ले कोई ऐसा। जो कोरिया के रिचेस्ट पर्सन थे वो मतलब हाँ कोरिया से बीटीएस वाले नहीं आए बीटीएस वो बीटीएस को भी अफोर्ड कर सकते बिल्कुल हैं। भाई जब क्या नाम है वो रिहाना को और जस्टिन बीबर को लेकर आ सकते हैं तो बीटीएस को होने यार। वाकई 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 भाई अंबानी क्या वो यूके के पॉलिटिशियंस को जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है मॉरिस उनका नाम है तो मुझे नाम नहीं उनका याद, मुझे बस मॉरिस ही याद रह गया बाकी पूरा नाम मुझे इन्होंने छोड़ दिया था मुझे ये बताया जल्दी से। इन्हीं के बाद मेरा ख्याल है कि ऋषि सुनाक जो है वो आए हैं तो वो मैं बेसिकली बात कर रहा था कि वो उनके आगे ना अंबानी के आगे बीटीएस हु वो यानी कौन है वो मुझे तो कोई भी नहीं लगता कि उनके आगे कोई भी मतलब कोई खास चीज है वो किसी को भी अफोर्ड कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है देखो बीच में हम लोगों ने मैंने कल बोला था कि मैंने अडानी जी को नहीं देखा आज उनको भी हम लोगों ने देख लिया है। वैसे जो है मैं एक वीडियो देख रहा था उसमें उस वीडियो के मुताबिक भाई इस शादी पर जो है ना लगभग 5,000 करोड़ जो है वो खर्चा आया है अब तक की सबसे महंगी पूरी दुनिया की और जो उन्होंने अपनी शादी 5,000 करोड़ ये भी बोले ना करोड़ हमारा करोड़ भी खराब है। और दूसरा जो जो आनंद है उन्होंने जो है वो जो जो पग पहनी है उसमें जो डायमंड लगा हुआ है वो 16 मिलियन डॉलर्स का डायमंड है जो कि लगभग 160 करोड़ जो है बनते हैं। फिर उसके बाद जो उन्होंने वो जो टाइगर वाला पहना था ना उसके अंदर जो है दुनिया की सबसे बड़ी रूबी जो है वो लगी थी, वो सूट ही जो है उस पर सोने से की तार से कढ़ाई हुई थी, उसके बटन भी रूबी के लगे हुए थे वो। और मैंने जब कमेंट सेक्शन खोला ना मुझे इतनी हंसी आई कि मैंने कमेंट किया था इसके सूट के तो बाजू की एक साइड मिल जाए मेरे से जिंदगी सेट हो जाए मुझे इतनी हंसी आई बाजू की एक साइड बस मिल जाए लेकिन भाई 2-2 करोड़ की तो उन्होंने घड़ियां ही दे दी हैं अपने दोस्तों को और वो भी स्पेशल एडिशन की घड़ियां दी, मतलब शाहरुख खान भी इसमें शामिल थे फिर उसके साथ रणवीर सिंह को भी मिली है बाकी उनके जो फ्रेंड्स है उन भी हो सके स्पेशल उन्हीं के लिए बनवाई हो यार तो ऑब्वियसली स्पेशल एडिशन ये तो कह रही हूँ कि 2-2 करोड़ की एक घड़ी भाई मैं कहती वो भी 2 करोड़ आई ना आ रही नहीं लगभग 7 करोड़ पाकिस्तानी मुझे तो ना वो वाला नहीं भूला एक बार वाला यार यार मैं लिटरली देखकर वो जो है ना जो महिला बता रही थी कि भाई सोने की तार से वो जितना भी वो फूल उनका तैयार हो ना तो जितनी कढ़ाई हुई है सोने की तार से ही है तो लाजमी बात है भाई एक बाजू भी मिल जाए तो वो 2-3 किलो सोना तो चढ़ा ही होगा या हो सकता है ज्यादा सोना चढ़ा हो। बिल्कुल भाई मैं कहूंगी बिल्कुल उन्होंने राजा महाराजाओं वाली शादी की सही बात है और मुझे लगता है कि ये वेडिंग तो हम लोगों ने एक तरह से कवर की है ना कि वीडियोज के थ्रू हम लोगों ने देखी है जो उनके पहले बेटे और बेटी है उनकी शादियां हम लोगों ने कवर नहीं इसलिए हम लोगों को पता नहीं कि उसमें भी क्योंकि उनकी जब मैं ये एक न्यूज पढ़ रही थी ना कि किन किन लोगों की बहुत ज्यादा शादियां दुनिया में सबसे ज्यादा हाँ महंगी या खर्चा हुआ उसमें उनकी बेटी का भी जिक्र था। अच्छा वैसे बीच में जो है इमोशनल हो गए थे शायद उन्हें जो है अपनी बेटी का टाइम जो है वो याद आ गया हो यार। मैं बट ये पूछना चाहूंगी एक तो वो बेल वाला भी जरूर बताना और दूसरा जो जैसे नाक खिंचाई ये एक रस्म इसके अलावा और कौन सी ऐसी डिफरेंट डिफरेंट रस्म है क्योंकि ये मैं पहली दफा सुना है। वैसे ये नाक खिंचाई जो है वो मैंने पहली बार और ये क्यों करते हैं नाक खिंचाई क्यों मतलब इसका पीछे क्या कारण क्या है कोई बात तो होगी ना। बिल्कुल जरूर जैसे जूता छुपाई की पता है पैसे भी तंग करेंगे तो मतलब वो आपको दूध पिलाई का भी समझ में आता है सो नाक खिंचाई का क्या वो भी जरूर बताइएगा। अच्छा वैसे यहाँ पर शीशा दिखाई भी होती है ये भी है वैसे पाकिस्तान में मैं सोच रही थी ज्यादा रस्में है ही नहीं जो थी वो अब और खत्म हो चुकी हुई है बस वो खर्चे कम करने के लिए ना हमने रस्में कम कर दी हैं। प्रॉब्लम इसकी डिमांड भी तो बहुत ज्यादा हो गई ना पैसे भी ज्यादा होने चाहिए गिफ्ट्स भी ज्यादा होने चाहिए तो खैर बाकी आप लोग जरूर बताइए कौन कौन सी और रस्में होती हैं और इसी के साथ गुड बाय।